हेलो एवरीवन, ये वीडियो है जब प्रियंका चोपड़ा मिस यूनिवर्स के कॉन्टेस्ट में जा रही थी। उस टाइम हमारे शाहरुख खान जो उस टाइम थोड़े से फेमस हो गए थे, थोड़े क्या काफ़ी फेमस हो गए थे, और वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, वो जो बोलते हैं ना कि भाई अभी लौंडा तेज चल रहा है, अभी साहब की सवारी निकल रही है, साइड में हट जाओ साइड में हट जाओ, तो उसी ओवर कॉन्फिडेंस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है उनके द्वारा प्रियंका चोपड़ा से। I grow weak in the presence of beauty. Thank you very much. So I'm going to read out my question. It's long, but the answer would be simple, I'm quite sure. तो शाहरुख खान यहाँ बोल रहे हैं कि मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो लंबा होगा काफी, लेकिन उसका आंसर बहुत छोटा होगा। This is hypothetical. Who would you rather marry? A great Indian sportsman with all the records in Indian cricket like Azhar Bhai here? Would make our country proud, take you all around the world and make you swell with pride, or वो पूछते हैं कि आप किसके साथ शादी करोगी, एक जो बहुत बढ़िया खिलाड़ी है एक नंबर का भारत का, जैसे कि अजहरुद्दीन है उस समय जो भी जज की सीट पर बैठे हुए थे साइड में इंडियन क्रिकेट के, जो आपको पूरी दुनिया में घुमाएगा, पूरे देश में अपना नाम रोशन करेगा और अपने देश का नाम रोशन करेगा, और इन सब के द्वारा आप भी प्राउड फील करेंगी। An artistic businessman with a difficult name to pronounce like Swarovski, who would bedeck you with jewels and fine necklaces, and you'll never have to buy a chandelier for your house ever again. या फिर वो जो एक artistic businessman है, यानी ऐसे व्यवसायी होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है अनाप शनाप, और जो बहुत सारी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स, बहुत सारी कीमती सामान खरीदने में इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन जिसका थोड़ा सा नाम लेने में प्रॉब्लम होती है, जैसे स्वरोस्की, जो आपके लिए बहुत सारी ज्वेलरी और बहुत सारी कीमती चीज़ें लाता रहेगा और आपको देता रहेगा, यानी कुल मिला के आपको कभी पैसे की या इन सभी चीज़ों की कमी नहीं पड़ेगी, कीमती चीज़ों की कभी कमी नहीं पड़ेगी। Or a Hindi film star like me, who has nothing better to do than to give you complicated multiple choice questions about a hypothetical wedding like this. मेरे पास कुछ खास करने के लिए नहीं होगा, लेकिन जज की सीट पर बैठ के ऐसे उल्टे पुल्टे सवाल पूछने वाला हो, और इन तीनों में से आप किसके साथ शादी करोगी? And before you answer, let me tell you, whatever your answer is, none of this is going to prejudice our marks for you. I'm sure Azhar Bhai and Swarovski won't mind. So go for me if you. ओके, तो यहाँ भी ओवर कॉन्फिडेंस है और बोलते हैं कि भाई जो भी आपका आंसर होगा, तो यहाँ पर स्वरोस्की और अजहरुद्दीन और मैं तीनों ही बैठे हुए हैं, इसको अपने दिल पर नहीं लेंगे और आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। यहाँ वो सोच रहे हैं कि भाई मैं ही इन सब में स्मार्ट हूँ, पैसे वाला हूँ, तो मेरे को ही मिलने वाली है आरती की थाली, लेकिन अभी उसको पता नहीं है कि लड़कियाँ चूतिया काटने में एक्सपर्ट होती हैं। Thank you very much, sir. Well, if I was to choose one of these very three difficult choices, I think I would go for a great Indian sportsman. मुझे इन तीनों में से किसी का चुनाव करना पड़े तो मैं उस भारतीय खिलाड़ी का चुनाव करूंगी जो देश के लिए सम्मान लाता है। कट गया चूतिया शाहरुख खान का पब्लिक के बीच में, मतलब हो गया अपनी ले ली खुदी। Because when I come back home, or when he comes back home, I know I will be there to be his support, to tell him I am proud of him just as much as India is, to be able to tell him, hey, look, you did your best, and you are the best. अरे भाई क्या हंसी है, इसे बोलते हैं बेइज्जती होने के बाद वाली हंसी। मतलब आदमी हंसने की कोशिश जरूर करता है, बट उसके चेहरा बता देता है कि अभी इज्जत लूट गई मेरी। अभी अचानक से अजहर भाई का इंटरेस्ट एकदम बढ़ गया है, देखो भाई एकदम आगे लीन फॉरवर्ड हो गए हैं, आगे झुक गए हैं और बड़ा इंटरेस्ट लेके अब सुनने वाले हैं, लेकिन अभी उनको पता नहीं है ये जंगली बिल्ली है, आगे जाके शाहरुख के पास ही जाएगी, भले ही यहाँ पर उसकी बेइज्जती कर दी हो। एंड आई विल टेक इमेंस प्राइड इन माय हस्बैंड हु विल बी अ मैन ऑफ स्ट्रांग कैरेक्टर इफ ही कैन ब्रिंग सो मच प्राइड टू माय कंट्री। थैंक यू वेरी मच। वाओ,
आपको यार यहाँ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बोलने की क्या जरूरत थी? मतलब क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं है क्या? या फिर मैं बिल्कुल लुकर टाइप का हूँ जो इंडिया को प्राइड लाता नहीं हूँ? देखना, मैं बहुत अच्छी अच्छी आगे मूवीज बनाने वाला हूँ। शायद हो सकता है इसी वजह से इंस्पायर्ड होकर स्वदेश बना दी हो मूवी शाहरुख खान में, ताकि लोग यार बहुत बेइज्जती करने लगे हैं, तो थोड़ा सा कुछ इज्जत ही मिलने लगेगी इसके बाद से।